हर जो मर्द है उसकी सोच और उसकी पसंद अलग तरीके की होती है. तो और भी जो हीरोज हैं जिन्होंने शादियां की हैं, तो उन्होंने अपनी बीवियों में कुछ ऐसी चीजें देखी होंगी जो उनको क्लिक की होगी कि ओ अच्छा हाँ ये मेरी बीवी बन सकती है. तो अगर फैसल रहमान से मैं पूछूं कुछ तीन क्वालिटी बता दें कि आपको ऐसा लगता है एक औरत उसमें ये तीन क्वालिटीज होंगी तो वो बिल्कुल सही मेरी बीवी बनने के काबिल है, वो क्या क्या है? तीन क्वालिटीज होनी चाहिए. पहली होनी चाहिए वो बहुत खूबसूरत होनी चाहिए. ओह माय गॉड, आप हुसैन परस्त हैं. अच्छा, दूसरी क्वालिटी होनी चाहिए वो बहुत खूबसूरत होनी चाहिए. ओह माय गॉड. लेकिन तीसरी क्वालिटी वो बहुत खूबसूरत होनी चाहिए. ओह एंटरटेनमेंट खूबसूरती. ओके अच्छा, अगर वो खूबसूरत है और लंबी है चलेगी? आपसे लंबी है? नहीं, खूबसूरत होनी चाहिए मगर थोड़ी छोटी. चलिए उसमें जरा सी मैं दो तीन चीजें. हाँ, जरा से थिक होने चाहिए. अच्छा ओके, जैसे आजकल मोटे होठों का फैशन है वो होना चाहिए, पाउटी होनी चाहिए. हालांकि आप तो सेल्फी पाउटी वाली बना नहीं सकते, आपने इंटरव्यू में कहा था. हाँ एग्जैक्टली. और वो एक और रंग थोड़ा बहुत ज्यादा सांवला होना चाहिए. रंग सांवला भी होना चाहिए, यानी होठ होने चाहिए पाउटी. रंग होना चाहिए सांवला और इनोसेंस होनी चाहिए, मासूमियत. ये तो दीपिका की शक्ल नहीं लग रही मुझे, दीपिका पाडिकोन है. बस वो लंबी है, जरा लंबी है. और सोचो और कौन है, सांवली पाउटी होठों वाली थोड़ी सी छोटी हाइट. रानी मुखर्जी के तो पतले होंठ थे. हाँ, उसके तो बच्चे भी हो गए, छोड़े उसको. अच्छा. हाँ.